हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अपने गांव से सूट, और हम जा रहे हैं अपने पापा जी के साथ पशुओं का चारा काटने। तो आप लोग सभी बने रहिए मेरे साथ, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमारा गांव है, और बहुत ही अच्छा अच्छा आपको व्यूज़ दिखाऊँगा। और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम बुग्गी में बैठ के और जा रहे हैं अपनी खेत की तरफ। ये देखिए हमारा घर, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना गांव, बहुत ही सुंदर दिखता हुआ हमारा गांव, प्यारा प्यारा सा गांव, देखते ही मज़ा आ जाता है। ये देखिए गांव की अलग ही सुकून एकदम। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए ये जा रहे थे वृंदावन जा रहे थे, तो बता रहे थे कि वृंदावन जा रहे हैं मथुरा। ये देखिए कितना अच्छा है ना, एकदम धान लगे हुए हैं खेतों में, और चारों तरफ बरसात का मौसम है तो दोस्तों हरा भरा मौसम ही चारों तरफ हरा भरा एकदम दिखाई दे रहा था सभी तरफ। ये देखिए घास काट रहे हैं कुछ बच्चे गांव के। ये देखिए बरसात के मौसम में पानी भर रखा था खेतों में। ये हम बुग्गी में बैठ के जा रहे थे अपनी खेत की तरफ। ये देखिए कैमरे से ज़्यादा ना अपनी आँखों से देखो ना, तब सुकून मिलता है इस हरियाली को देखने में, मज़ा आ जाता है एकदम। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। बने रहिए ऐसे ही, अब देखते रहिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे गांव में कौन सा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा था, कमेंट ज़रूर करना। ये हम अपनी खेत की तरफ पहुंच ही चुके हैं। बस देखिए हरी भरी एकदम चारों तरफ, जहां तक नज़र जाती है ना, जहां तक नज़रें पहुंचती हैं वहां तक हरा ही हरा, बहुत ही सुंदर गांव हमारा दोस्तों। और आप सभी कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि कौन कौन गांव से है और किस किस को गांव में रहना पसंद है, ठीक है। ये देखिए एकदम अलग ही नज़ारा। तो भैया गांव के तो अलग ही मज़े हैं। बस पहुंचने वाले थे अपने खेत की तरफ। ये हमारा जहाँ हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है ना, वहाँ पे हमने घर बना रखा है। तो ये देखिए हम अपने फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं, वहीं पे हमारा खेत है, वहीं पशुओं का हमने चरी जो है वो रखा है, पशुओं का चारा, और वहाँ से हम काटेंगे। अब बस पहुंचने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। खेतों में हम पहुंच चुके हैं अपने। ये देखिए आप कितना कितना अच्छा लग रहा है ना। और पापा जी अब रेडी हो रहे थे क्योंकि कपड़े पहन रहे थे, और आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों, पशुओं का चारा काटा आज। थोड़ी देर में मैंने बहुत सारा चारा काट दिया था, पापा भी मेरे साथ थे, पापा वीडियो बना रहे थे मेरी। ये देखिए तो भैया तालियां तो होनी चाहिए, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये देखिए हमने बुग्गी में चारा भर लिया था और घर के लिए आने के लिए रेडी हो गए थे। ये देखिए पसीना आ गया था मुझे, अब मैं पसीने को पहुंच रहा हूँ क्योंकि गर्मी लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुबह ही सुबह। Wait a minute. Who are you? ये देखिए रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा हमें दिखाई दी जो कि चल नहीं पा रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पापा बता रहे थे कि इनको कम दिखाई देने लगा है। ये उनका पोता उनको लेके जा रहा था पकड़ के, क्योंकि बुग्गी के बुग्गी निकल नहीं पा रही थी, उनको पता नहीं था, उनको दिखाई नहीं देता था, तो साइड में किया उनके पोते ने पकड़ के। और हम पहुंच रहे हैं अब अपने घर की तरफ। रास्ता बरसात में ऐसे हो जाता है कीचड़ कीचड़ का टाइप, लेकिन फिर भी अच्छा ही लग रहा था।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए, वाह क्या सीन है है ना, आंखों को एकदम सुकून पहुंचाने वाला। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बरसात के मौसम में। ये हमारा गांव है, ये देखिए घर बन रहे हैं। गांव में ऐसे ही घर होते हैं दोस्तों। कच्ची रास्ता है तो उनमें पानी भर जाता है, और हम घर आ चुके थे। अब पापा जी तोड़ रहे थे तुरई, हमने अपनी बहुत सारी बेल बो रखी है, लौकी तुरई कद्दू सब चीज प्योर ऑर्गेनिक बोते हैं, बिना खाद का इस्तेमाल करे इसमें। कितनी बड़ी है, देखिए तोड़ रहे थे पापा जी तुरई को, और इसी की सब्जी बनेगी आज। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पापा फिर हंसी मजाक कर रहे थे थोड़ी बहुत। वही है हाँ, ये देखो बहुत सारी तुरई आ जाती है, हम भी खाते हैं, पड़ोसियों को खिलाते हैं, क्योंकि हर दिन एक दो तीन किलो तुरई आ जाती है। देख कितनी सारी तोड़ दी थोड़ी देर में, और एकदम फ्रेश। इनका टेस्ट ही बहुत ही अजब रहता है, बहुत ही गजब टेस्ट लगता है दोस्तों। जो बाज़ार से लाते हैं ना, उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। और ये देखिए हमारे गाँव का नज़ारा, महसूस कीजिए इसको दोस्तों। हम अपने गांव को छोड़ के जब जाते हैं ना, दूर बाहर चले जाते हैं, तो हमें अपने गांव की बहुत याद आती है ना। आप जो गांव से होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है कि गांव की कितनी याद आती है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गांव, भले ही ज़्यादा बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती हैं, अच्छे घर नहीं होते हैं, लेकिन जो भी होता है सुकून बहुत होता है गाँव में। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा गाँव,